रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, और इस टेक्निक के चार ही नियम हैं, और चार नियम को समझाने के लिए मैं 10 ही मिनट लूंगा, 5 मिनट तो हो गए, फिर सवाल जवाब चाहे आप कितना भी करें। आप में से जो लोग जो कैंसर पेशेंट हैं, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, या उनको बता दिया गया कि कैंसर पेशेंट हैं, या ट्यूमर है, या फिस्टूला है, या फाइब्रॉइड्स हैं, या फॉर दैट मैटर हर्निया ही है, या सिस्ट है, कोई भी आउटग्रोथ हम बोलते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी में नहीं होनी चाहिए वो कहीं इकट्ठा हो गया है, तो अगर है तो आपके लिए ये चार नियम बहुत ही आवश्यक है समझना। रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर के चार नियम आपके सामने मैं ला रहा हूँ, और चार नियम को लाने के लिए ये मेरे पास ये मॉडल है। एक पहला नियम ये है कि हम में से हर एक के बॉडी में इस तरह के कछुआ बोलता हूँ मैं, इनडोलेंट कैंसर सेल होते ही हैं। इनडोलेंट कैंसर सेल मतलब कछुआ की तरह जो कि आपके बॉडी में बैठा तो है लेकिन आपके बॉडी को तंग नहीं करेगा, आपको मारेगा नहीं, आपको सफरिंग नहीं कराएगा, चुपचाप बैठा रहेगा, कभी कभी थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहेगा जिससे आपको थोड़ा अजीब वगैरह कुछ ना कुछ लगेगा, बट मोर लेस यू विल नॉट डाई बिकॉज ऑफ इट। 100% लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, आप सबके मेरे बॉडी के यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में ये वाले सेल पक्का ही मिलेंगे। 70% लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलेंगे, अबाउट 40% महिलाओं के ब्रेस्ट में मिलेंगे कछुआ वाला ऐसा कैंसर सेल, जिसे मेडिकल भाषा में इंडोलेंट बोलते हैं, जो आपको तंग नहीं करेगा। कैंसर तो है वो, लेकिन उसकी वजह से हम ना तो मरेंगे ना वो आपको तंग करेगा। पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि हम में से कुछ लोग, बहुत ही थोड़े, 1000-10000 में से एक आध होंगे, जिनके बॉडी में एक और तरह का कैंसर सेल होता है जिसे बोलते हैं एग्रेसिव कैंसर सेल, खरगोश की तरह, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन भागता है, पूरे बॉडी को गंदा कर देगा, आपको दर्द होगा, ट्यूमर होगा, आप उससे मर सकते हैं या मर जाते हैं, खरगोश की तरह। लेकिन दूसरा नियम यह है कि अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये पता चल सके, डायग्नोस हो सके कि आपके बॉडी का जो कैंसर सेल डायग्नोस किया गया है वो कछुआ वाला था या वो खरगोश वाला है। वो बायोप्सी हो, मेमोग्राम हो, पेट स्कैन हो, उससे ये डिफरेंशिएट नहीं होता है। उसके मैंने टोटल 250 एविडेंसेस में दिए हैं इस किताब में, इस वक्त आप देख सकते हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके पास तो किताब है हाथ में, और जो लोग यहाँ नहीं हैं तो ये लाइव लिंक में जाके, ये लिंक में जाके अभी आप देख सकते हैं 250 एविडेंसेस कि कोई भी ऐसा डायग्नोस्टिक टूल नहीं है जिससे ये समझ आए कि आपका जो कैंसर सेल है वो कछुआ वाला है या खरगोश वाला है। उदाहरण के तौर पे ये जानना भी चाहती थी मेडिकल साइंस कि क्या हम ये पता कर सकते हैं, क्या बायोप्सी कितना रिलायबल है, ये जानना चाहते हैं। तो बायोप्सी क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा दूं। आपके बॉडी के किसी भी एक भाग से, जिस भाग में कैंसर होने की उम्मीद है या ऐसा उन्हें लगता है, तो उस भाग से एक छोटा सा टुकड़ा लेना, उसका स्लाइड में कन्वर्ट करना, उस स्लाइड को पैथोलॉजिस्ट को देते हैं, पैथोलॉजिस्ट उसको देख के बोलते हैं कैंसर है कि नहीं है। तो ऐसा ही एक स्लाइड आपके सामने दिख रहा है, ये स्लाइड मेरे हाथ में भी है, स्लाइड में आपको पार्ट भी देता हूँ। ये स्लाइड इसी तरह से, यहाँ तो सब हम लोग पैथोलॉजिस्ट नहीं, हम में से कोई ज्यादातर जर्नलिस्ट हैं, तो और ऐसे ही बांट देते हैं जैसे हमने अभी आपको बांटा, और ये यहाँ पे, और उनसे पूछा गया पैथोलॉजिस्ट से कि देख के बताओ ये जो देख रहे हैं आप स्लाइड, ये स्लाइड नॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल है, या ये कैंसर है, तीनों में से नॉर्मल, एबनॉर्मल या कैंसर। 33% लोगों ने बोला लगभग कि भाई ये जो दिख रहा है ना ये नॉर्मल है, 33% पैथोलॉजिस्ट ने बोला, पैथोलॉजिस्ट में 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये एबनॉर्मल है, और 19% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये कैंसर है। तो मतलब ये कि आपके बॉडी में कैंसर है या नहीं है, या इलाज कराना है कि नहीं कराना है, वो आप पे निर्भर नहीं करता, स्लाइड पे निर्भर नहीं करता, स्लाइड किसके हाथ में गया उस पे निर्भर करता है। वो 19% पैथोलॉजिस्ट के पास अगर आप गए तो यानी कि वो बोलेगा ये कैंसर है, आप इसमें कीमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करो, राइट। तो जबकि अगर पहले वाले आप उस पैथोलॉजिस्ट के पास गए तो वो या तो नॉर्मल बोलेगा या नॉर्मल बोलेगा। तो अगर आप ये समझते हैं कि बायोप्सी में कैंसर आ गया तो वो भगवान का दिया हुआ वाणी है, तो वो नहीं है,
ये भी डिपेंड करता है कौन से पैथोलॉजिस्ट के पास गए हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो ये है मेरा दूसरा नियम, जो दूसरा नियम मैंने आपको बताया। और इस नियम से बायोप्सी इज नॉट लेवल एट ऑल, और लेवल तो है ही नहीं, लेकिन बायोप्सी जब कराते हैं तो पेन होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो जगह पंचर हो जाती है, मौत होती है, डेथ होती है 0.1% लोगों की बायोप्सी कराते कराते, किडनी पंचर, कोलोन पंचर, या बायोप्सी की वजह से ट्यूमर ग्रोथ बढ़ जाता है। और जो बोन मैरो टेस्ट है ये भी बायोप्सी है, उसमें ज़्यादातर लोगों ने बोला कि जब ये बायोप्सी होती है, बोन मैरो टेस्ट होता है, तो उनका जो पेन है, दर्द है, वो भयंकर दर्द है। तो एक ऐसा टेस्ट जो लेवल तो है ही नहीं, उल्टा उससे कैंसर फैल सकता है और दर्द भयंकर है, मौत हो सकती है, तो वो टेस्ट कराया जाता है। तो रूल नंबर टू कि दुनिया का कोई भी टेस्ट नहीं है जो क्लियरली बताए कि कैंसर है या नहीं, या कैंसर है तो आपको वो तंग करने वाला कैंसर है या नहीं।